पहले ना बहुत खतरनाक खतरनाक टीवी पे ऐड आते थे, हाँ तो धीरू मांझी भाई ने कहा चलो भाई साहब तैयार कर देते हैं, पुराने एड्स को रोस्ट कर देते हैं। तो वीडियो है अश्लील ओल्ड टीवी एड, जो पुराने टीवी एड्स आते थे, तो ओके कितने खतरनाक कितने अश्लील थे भाई आज हाँ बताएगा। और जिस तरीके से धीरू मांझी भाई बताता है उसमें ऐसा लगता है भाई ने नाश कर दिया, मतलब कि नाश मतलब इन द सेंस मजा आ गया हमको, स्केटिंग सीख ली थी 24 स्केटिंग घंटे भाई, में। हैट्स ऑफ टू भाई, पिछले व्लॉग में भाई ने स्केटिंग करके दिखाई हाँ, बहुत 24 तरीके घंटे में तरीके सीख से, ली और थी। मजा आ गया था, भाई ने चैलेंज दिया और पूरा किया। तो आज भाई ने किस तरीके से रोस्ट किया मजा आएगा, दीज कमर्शियल्स आर एपिक, एपिक होने वाले कमर्शियल्स। यस तो ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 1 2 3 गो। हे गाइस इट्स मी धीरू मांझी, एंड गाइस आज हम बात करने वाले हैं, टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो गाइस आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे टीवी एड्स के बारे में जो कि जब तुम अकेले बैठ के टीवी देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर तुम गलती से भी अपने मम्मी पापा दादा दादी अपने से किसी भी बड़े के साथ टीवी देख रहे होते हो तो वो एड्स जरूर आएंगे। बहू, हाँ जी मम्मी, तुम लोग रोज रात को करते हो ना? रोज करते हैं। हमको काफी दर्द होता है ना, तुम लोगों को ब्रांड बदलने की जरूरत है। सब तो बोलते हैं ये डॉक्टर्स का सुझाव नंबर वन ब्रांड है। तुम्हारे पापा और मैं रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। दांत प्रोटेक्शन, रिफ्रेशिंग और रिलैक्स्ड भी लगता है। तुम दोनों को भी रोज रात को करना चाहिए ताकि हमारी उम्र में आकर हेल्थ अच्छी रहे। अभी तुम सोच रहे हो आंटी जी ये क्या अश्लील बातें कर रही हो तुम, है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सालों गंदे दिमाग वालो है ना। कुछ हाइजीनिक रखते हो, ओरल का भी रखो, ओरल भी अब से ओरल भी बचपन में जब ये ऐड आता था तो कभी समझ नहीं आया, लेकिन अभी अभी समझ में आ रहा है कि क्या अश्लीलता फैला रहे थे उस टाइम से। अगर ये ऐड इतना अश्लील है, अगर ये मैंने जॉनी भैया को भी दिखा दिया ना बैठा के, तो वो भी बहन जो चौथी मंजिल में चढ़ के अपनी खोपड़ी की साइड से कूद जाएगा नीचे। अभी रुक जाओ, डॉक्टर मेरे दांत में दर्द है। भैंचो तेरे दांत में दर्द है साले, लेकिन फिर भी आने से पहले तुझे परफ्यूम लगाया था। परफ्यूम लगाता हुआ आ रहा है। वाह भाई वाह, तुम बहुत चूतिए इंसान हो यार। इस गंडवासुर से डेली ब्रश नहीं होता है, लेकिन मैं कर परफ्यूम टाइम परफ्यूम टाइम टाइम लगा लेगा। दांत में दर्द है डॉक्टर, तुम हो टी शर्ट के बटन, शर्ट के बटन उतार दिया। ऐसे नहीं भाई, ठीक है सांस ऐसे लेते हैं दोस्तों, आज से मुंह से सीधे सीधे सांस कोई नहीं लेगा, ठीक है? कोई भी ऐसे ऐसे कोई सांस नहीं लेगा। मैडम बता रही है सांस कैसे लेना, बिल्कुल वैसे ही सांस, बिल्कुल वैसे, ठीक है? ठीक है। अरे भाई सारे टीवी पे आते थे भैंस, यकीन नहीं हो रहा मुझे। बाकी दाल में दर्द तो मेरे भी होने लगा है, इस डेंटिस्ट का पता चाहिए अपने को, कमेंट में दर्द तो नहीं चाहिए, मेरे दांत हो क्या, ठीक है? ओ भाई बच्चा क्यूट है यार, देखो अब तुम भैंस ये मत कहना यार, भोसड़े के तू भी बच्चा, साले बच्चे देख कर खुश हो रहा है, क्यूट है तो है बस, ठीक है? वो भी 11 सालों क्या बकचोदी कटवा रहा हूँ मुझसे, मुझे जान दो यहाँ से, मुझे जान दो यहाँ से, मुझे पड़ोस वाली पिंकी के साथ खेलना है, तो जाओ पड़ोस वाली पिंकी। लाइट गई, कहीं अंधेरे में, कहीं अंधेरे में, कहीं अंधेरे में। सचिन भाई ये क्या बिहेवियर है यार, लाइट एकदम बोलो, इतना बड़ा गैप क्यों ले रहे हो? कहीं अंधेरे में, कहीं अंधेरे में, राजेश के मम्मी पापा दूसरे राजेश की प्लानिंग ना कर दे, छोटा राजेश क्यूट वो भी होगा भाई चमगा। कहीं अंधेरे में खुशी के पल खो ना जाए। कौन बोला अंधेरे में खुशी के पल खो जाएंगे, अंधेरे में खुशी के पल शुरू होंगे, ठीक है? वेल डन, वेल डन। अरे भाई चमगा पंडित के मुंह में डाल दिया यार, चम्मच ठीक है। हाँ अच्छा था एड, अच्छा था, नाइस था एड। बेटा श्रवण ये तुम्हारी नई माँ। बाबूजी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कर दिया बस, सेक्सी लग रहा था।
सेक्सी लग रहा था। चाचा जी टांग कबर में है, कब ऊपर चल बसे कुछ अता पता नहीं है। घर की सीढ़ी से छत पे चढ़ने में इनकी गांड से हिंग हक देते हैं ये। फिर भी शादी दूसरी करके आ गए ये अपनी बेटी की उम्र की लड़की से। शास्त्रों में इन्हीं इन जैसे महान इंसानों को ही बेटी कहा गया है। अच्छा है हम जैसे लौंडों की गांड चलाने के लिए ऐड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हम जैसे क्या उसके अपने लौंडे की गांड चलाने के लिए ऐड बहुत अच्छा है। लौंडे कह रहा भाई ये बॉय सुहाग रात का टाइम। बेड तो बहुत ही सुंदर है ना। हाँ इजिप्शियन डिजाइन, इंग्लिश पॉलिश, इटालियन मैट्रेस। उसकी पूरी बात तो सुन लेना साले, बोलना पहले शुरू कर दे। वो कह रही थी बैग तो बहुत सुंदर है, मैं जो पति चूतिया मिल गया मुझे। ओ भाई आइए ना आप भी। डोंट फील शाय, ओके डोंट फील शाय, आजा मेरे भाई मचाएंगे तबाही। सस्ता प्लाई वाई लोकल प्लाई पड़ गया ना महंगा। बाय ब्रो बाय यार, मजबूत प्लाई होगा यार। घर वालों से सुबह कैसे नजरे मिलाएगा तू यार। चलो ठीक है, वो सोचेंगे कि बहुत गहरा प्यार है इन दोनों के बीच। नाइस 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 वेरी नाइस, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया मतलब बढ़िया है। नाइस नाइस। मनोज मनोज इधर क्या कर रहा है, पिक्चर देखने आया क्या? होते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, कई कई चूते होते हैं। आईएसआई सर्टिफाइड चूते होते हैं, आईएसआई सर्टिफाइड बाल कटवाने आया है। लेकिन यार भाई देखा जाए तो उसका सवाल बुरा नहीं था यार, उसका सवाल बुरा नहीं था यार। आई सपोर्ट यू ब्रो, आई सपोर्ट यू। उसका सवाल बुरा नहीं था। जब कपल्स जाते हैं मूवी देखने तो पिक्चर देखने ही नहीं जाते, सिर्फ वो पिक्चर बनाने चले जाते हैं कॉर्नर वाली सीट लेके। अच्छा बेटा मतलब अंकल जी आप भी चूतिया है तो भैया देखो ऐसी बात है, अगर तुमसे बड़ी उम्र में कोई भी तुम्हें सीधा या फिर शर्मिला कह रहा है ना तो समझ लो इनडायरेक्टली वो तुम्हें चूतिया कहना चाह रहा है। वो बस तुम्हारे सामने तुम्हें चूतिया कह नहीं सकता, तो इसीलिए तुम्हें सीधा कह दे रहा है, शर्मिला कह दे रहा है। तो आगे से अगर तुम्हें कोई भी कहे कि लड़का तुम्हारा सीधा है, लड़का तुम्हारा शर्मिला है, तो समझ जाओ वो बहन जो सामने वाला था तुम्हें मनी मन चूतिया कह रहा है। ठीक है हमारी बेटी शारदा में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? फाइन लेग। वाह बेटे साले टर्की कैच छोड़ा। बेटा किसका गया तो अंकल जी पे ये ना मुझ पे अंकल जी का लड्डू, अंकल को लड्डू खाते देता है, अंकल का लड्डू छूट गया साले। घर में तुम खान नहीं देते हो, अंकल को डायबिटीज हुआ पड़ा है, अभी यहाँ खाने मिला था यहाँ भी नहीं खाने दिया है अंकल जी। बेटा जाओ जस्ती भेज रहा, पापा जाओ पापा जाओ। सामने आप फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस जान आदमी और सब लोग देखो ये आदमी को कैसे ये जादूगर कबूतर बनाएगा। ओ बन गया सही में कबूतर बन गया है वो। उड़ गया उड़ गया गया भाई। ओ भाई कैसे हो गई लड़की आगो भाई। ओ भाई 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 तोते उड़ गए तोते भाई। ये सबसे बेस्ट एंड था, ये जिंदगी का मेरी सबसे बेस्ट एंड है। मैंने इससे अच्छा इससे प्यारा इससे मजेदार एंड आज से पहले कभी देख नहीं दिया। बच्चा देख रहे हो आप? इस एंड को ऑस्कर दे दो, 10 ऑस्कर एक साथ दे दो, कम है वो भी। गाइस क्या होगा अगर ऐसे ही मैं किसी दिन बैठे बैठे अचानक से कबूतर बन जाऊं तो फिर हो एडिटिंग मारी भाई ने। मसक कली लाइक कर देना और कमेंट भी, बाय। अरे भाई बिल्कुल ये तो बहुत ही सही एडिटिंग, ये लास्ट वाला एडिटिंग पार्ट तो बहुत ही गजब किया। और तू देखा शेखर वहीं था। हाँ भाई गया शेखर ने और फिर कबूतर बना और शेखर गिरा।
भाई हमें मस्त लगा ये मस्त क्या है ना मस्त मेरा फेवरेट पता है कौन सा था वो अंडे वाला कौन सा जो इसमें भाई ने पिछले भाई की जो एडिटिंग रोमांचक की जो एडिटिंग थी ना जो चेयर पे बैठ के जो उसने अंडे निकाले थे ना वो सोने वाले अंडे 50,000 के अंडे 55,000 के मुर्गा अंडे देता था उसका खतरनाक। तो भाई इसमें जो लास्ट वाला एड था मैक्स क्या बोलूं यार बेचारे का पति उड़ गया। लेकिन जिस तरह से भाई ने टिप्पणी करी ना अपने ही स्टाइल में ध्रुव मोहनचंद भाई ने नेक्स्ट लेवल का समा बांध दिया जैसे वो बेड की पूरी तारीफ चल रही है आजकल तो कैसे जाता है पीजन पीजन समा बांध दिया समा बांध दिया कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आजकल तू। सब लोग दर्शक हैं यहाँ पर हम भी दर्शक हैं आप भी दर्शक हैं और धीरे बोलते हैं दर्शक क्या तू तूने एड्स देखे वो डेंटिस्ट के पास जा रहा है डियो लगा के कह रहा भाई दर्द तेरे दांत में हो रहा है तो डियो मतलब इमरजेंसी होती है दर्द अगर ऐसे करके ना ना पहले डियो मारेंगे लाइन माननी वो सस्ती प्लाई वाई सस्ती प्लाई अब उनको भी वो डेंटिस्ट का पता मांगता है अब उनको मांगते दोस्त जा सकता हूँ मैं बिल्कुल 10 मिनट के लिए जाऊंगा जाके देगा जाने ही तो नहीं देती है डेंटिस्ट के पास भी जब जाते हो ना फोन करके पूछते हैं मेल और फीमेल फीमेल ओके बाय नहीं आएगा बकवास कर रहा है बकवास नहीं लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर फीमेल हो तो एक अलग ही वाइब आती है आदमी को दर्द भी हो ना तब भी ऐसे कहते थोड़ा कम ही दर्द है ठीक है आदमी हम स्ट्रॉन्ग है बस इंजेक्शन भी इजीली लग जाता है पेन भी नहीं होता वहीं पर डॉक्टर ऐसा खुखार था वहां पर दर्द हो गया और वहीं लड़की भी बैठी है उसमें नहीं 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ थोड़ा सा दर्द कबूतर वाला सही में कबूतर वाला सच में खतरनाक था और भाई ने खतरनाक यार दिखाया यार मेरे को मेरे हिसाब से धीरु मोहनचंद भाई जो रोस्ट करता है ना बहुत फनी वे में करता है मेरे को तो वो भी वो उसकी वो शादी किससे करके आया बिल्कुल अपनी बेटी की उम्र के ना इसे ऐसे लोगों को बिटचोत कहा जाता है खतरनाक। तो वो भी था जो अंटिया स्टार्टिंग में टूथपेस्ट के चक्कर में क्या करी ओरल करना चाहिए रात भर करना चाहिए हमेशा करना चाहिए कितना करना चाहिए आंटी बहुत बढ़िया तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए तालियां यही होना चाहिए। धीरू भाई मजा आ गया देख के आपको कैसे लगे भाई बताना बेस्ट एड आपके हिसाब से कौन सा था हमारे मेरे हिसाब से तो कबूतर वाला एड मस्त था लेकिन अगर आप चाहते हो डेंटिस्ट आपको मिले वैसे तो डेंटिस्ट कमेंट करो आपके ऊपर कृपा आएगी और आप जरूर मिलोगे ऐसे डेंटिस्ट से ठीक है कमेंट करना डेंटिस्ट। एक और खतरनाक वीडियो लाएंगे जल्दी आपके लिए टिल देन बाय हैव अ गुड डे बाय।